Now we are going to discuss Kohlberg's theory of moral development uh, with respect to the education of ethics at early grades. Kohlberg's theory of moral development is concerned with structures of moral thinking about interpersonal conflict situations. And then he postulates a sequence of six moral stages which is invariant for all persons. Kohlberg has six stages. Diye hain. मोर मॉरल रीजनिंग के और मॉरल डेवलपमेंट के वो ये कहता है कि एक बच्चे से लेकर बालग होने तक हम मुख्तलिफ स्टेज में अखलाकियात सीखते हैं और अखलाकियात को प्रैक्टिस करने के काबिल होते हैं पहली बात तो यह है कि अखलाकियात वो किस को कहता है उसके ख्याल में मॉरलिटी जो है वो मुख्तलिफ़ कॉन्फ्लिक्ट डिसशन मेकिंग है कि आया अखलाकी तौर पर बेहतर क्या है ये फैसला करना कि कौन सी चीज़ जो है वो अच्छी है और कौन सी बुरी है राइट और रॉन्ग के बारे में अच्छे और बुरे के बारे में फ़ैसला करना हमारी मॉरल रीजनिंग की बेसिस पे होता है और जो हमारे अंदर बेहतरी पैदा होती है वक्त के साथ साथ या उम्र के साथ साथ या इन्वायरमेंट बदलने के साथ साथ उसको वो मॉरल डेवलपमेंट कहता है अब इन्होंने जो हमें छः स्टेजेस दी हैं वो बुनियादी तौर पर तीन बड़े मरहलों में तकसीम किए जा सकते हैं फर्स्ट वन इज़ प्री कन्वेंशनल स्टेज प्री कन्वेंशनल स्टेज में दरअसल दो स्टेजेस हैं कि जब सबसे पहले जब बच्चा बड़ा होता है तो वो सिर्फ रिवॉर्ड और पनिशमेंट के बारे में सोचता है यानी उसकी अखलाकियात सिर्फ़ इस हद तक महदूद हैं कि अगर उसको किसी चीज़ पे इनाम मिलता है या रिवॉर्ड मिलता है या लोग उसको अप्रीशिएट करते हैं वो उसको अच्छा समझता है और जिस बात पे उसको सज़ा मिलती है या उसको मना किया जाता है रिब्यूक किया जाता है तो वो उसके लिए बुरी है दूसरी स्टेज इसको हम इसमें इंस्ट्रूमेंटल स्टेज कहते हैं जैसे डू गुड एंड हैव गुड यानी बच्चे शुरू से ही यही सीख जाते हैं कि अगर हम किसी का भला करेंगे किसी के साथ भलाई करेंगे तो वो भी बदले में हमारे साथ भलाई करेगा तो अब वो सारी वो अच्छी बातें सीखते हैं जिससे उनको अच्छे नतज मिलने वाले हैं उसके बाद दूसरी जो स्टेज है वो है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज पोस्ट कन्वेंशनल में जैसे हमने पहले भी अर्ज किया यहाँ कुछ कंक्रीट थाट्स आपकी बनती हैं ये सात साल से बाद की उम्र में शुरू होता है इसमें यह होता है कि बच्चे समझ जाते हैं कि हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनके नॉर्म्स क्या हैं मैं कौन हूँ मैं बेटा हूँ बेटी हूँ और मेरी हैसियत क्या है और वालदेन मेरे लिए क्या हैं इस मेरे लिए क्या है मेरे दोस्तों की क्या अहमियत है तो एक तो वो अपने मुआरे के नॉर्म्स को समझने की कोशिश करता है दूसरा कुछ फिर जाहिर है जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे मुल्कों में भी मुख्तलिफ़ानी हैं हमारे इदारों में भी कवानी हैं और हर अच्छे बुरे का मैार लोगों ने कुछ बना रखा है क्या वो किसी अदालत की तरफ से है किसी कानून की तरफ से है आइन की तरफ से है अब यहाँ पर वो उस कानून को समझने की कोशिश करता है जैसे चोरी करना बुरी बात है क्योंकि कानूनी तौर पर चोरी करना जुर्म है तो अब ऐसी सूरत हाल में वो जितने भी कवानी होंगे उन पर पाबंदी को अख्लाकियात समझेगा अच्छा समझेगा उसके बाद हम देखते हैं जी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज अब कन्वेंशनल स्टेज के बाद पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज वो है जहाँ पे वो उन कवादीन को जिनको अब तक वो मानता चला आया है चैलेंज भी करेगा क्यों वो इसलिए कि वो समझता है कि कवानी इंसानों के लिए हैं ना कि इंसान कवानीन के लिए हैं तो वो इनफरादी तौर पर भी उसको चैलेंज करेगा मसलन अगर कोई कानून किसी शख्स को नुकसान पहुंचा रहा है तो वो उसको चैलेंज करेगा कि भाई इसका क्या कसूर है और उसके बाद जो आखिरी स्टेज है उसमें तो ये है कि आप कानून से बाला तर होकर पूरी इंसानियत के लिए और, और तो और ग्रुप से बाला तर होकर पूरी इंसानियत के लिए एक साथ सोचें ये पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है यहाँ पे वो कहते हैं कि जी इंसान अपने ग्रुप से भी निकल आता है अपने आप से भी अपने ज़ाती इंटरेस्ट से भी निकल आता है और फिर वो पूरी इंसानियत की भलाई के लिए सोचता है तो ये तीन स्टेजेस हैं अब इसमें अहम बात ये है कि कोई भी स्टेज दूसरी से पहली नहीं आएगी मतलब हम दर्जा बदर्जा ये सारी चीज़ें सीखेंगे पहले हम अच्छाई बुराई की अहमियत समझेंगे फिर हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को सीखेंगे और आखिर में हमारे अंदर वैल्यूज़ जो हैं वो डेवलप कर जाएंगे तो वो ये कहते हैं कि सब इसी तरह प्रोग्रेस करते हैं इन स्टेज़स पे फिर ये कि ऐसा हो सकता है कि कोई ऊपर वाली स्टेज पे जाके दोबारा वापस आ जाए ऐसा इस वजह से हो सकता है कि कोई ऐसा वाक्य हो गया उसके जिसमें उसको लगा कि कानून तो कुछ भी नहीं है या कानून की अहमियत नहीं है या ख़ुदा न खास्ता उसकी दिमागी हालत दुरुस्त ना रही या उसके कोई हालात वाक़ात ऐसे आ गए कि जैसे वॉर के अंदर जंग के अंदर कोई सिचुएशन आ जाती है जहाँ कोई किसी कानून को नहीं मानता तो फिर वो अपने वैल्यू से नीचे भी आ सकता है और आखिरी बात इसमें यह है कि कोलबर्ग की थेरी को आप बेशक क्रिटिसाइज़ करें लेकिन जितनी भी अखलाकियात की थेरीज हैं इसमें इसको बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है और वाकई जो इसके प्रोसेस हैं वो इसी तरह से अमल दरामद होते हैं हमारी लाइफ में क्रिटिसिज्म इस पे ये है कि ये सिर्फ कॉग्निटिव प्रोसेस को देखता है देखता है मेंटली हम रीज़निंग किस तरह से कर सकते हैं हम चीज़ों के अंदर डिसशन मेकिंग किस तरह से करते हैं लेकिन जो हमारे इमोशंस हैं या हमारा सोशल एनवायरनमेंट है उनके बारे में ये बात नहीं करता तो ये क्रिटिसिज्म इसके ऊपर है